मुझे मालूम है कि आप सभी को इंतजार है मेरे साथ किसी सैर पर चलने का। लेकिन बड़ी मुश्किल है, मैं और महाराज विक्रम अभी जिस नगर में जाने वाले हैं, वहाँ पहुँचकर आप चौंक जाएंगे। क्यों? अरे इसलिए क्योंकि वो है एक सोया हुआ नगर। विश्वास नहीं होता ना? तो चलो। हाँ, ये सब मृत तो नहीं है, ये तय है। जी हाँ महाराज, लगता है जैसे गहरी नींद में सोए हुए हैं। लगता है ये किसी का श्राप है जिसके कारण ये सब इस तरह से। परंतु महाराज, ऐसा कौन है और क्या श्राप है जिसके कारण पूरा नगर सो गया? चलो महल चलकर महाराज कर्ण सिंह से मिलते हैं। जी ये दोनों तो मूर्ति बने हुए हैं। महाराज, यदि ये सब किसी श्राप के कारण हो रहा है तो जरूर श्राप राज परिवार के किसी सदस्य को ही मिला होगा। हाँ, तभी तो राज परिवार और प्रजा सभी की ये हालत है। नहीं मुंजा, मैं अपने मित्र को इस हालत में नहीं रहने दूंगा, मुझे कुछ करना ही होगा। परंतु महाराज, हमें जब तक कोई कारण ही मालूम ना हो तब तक हम कर भी क्या सकते हैं? हम हाँ, वो तो है। आओ मेरे साथ, मैं मालूम करता हूँ कारण। हे माँ भद्रकाली, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। माँ दर्शन दो, माँ दर्शन दो। बोलो पुत्र विक्रम, क्यों याद किया मुझे? प्रणाम माँ। हे माँ, आप तो सर्वज्ञानी हैं। मैं यहाँ अपने मित्र राजा कर्ण सिंह और उसकी प्रजा को जिस स्थिति में देखकर आया हूँ उससे मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। तुम्हारा मित्र राजा कर्ण सिंह अपने कर्मों की सजा पा रहा है। परंतु उसने ऐसा क्या पाप किया है जिसकी उसे ऐसी भयंकर सजा मिली है? ये बात यदि वो स्वयं तुम्हें बताएगा तो उसका पाप कुछ कम होगा। परंतु माँ, वो तो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। मैं जानती हूँ, परंतु यदि तुम सूर्योदय से पहले उसके पास जाओ तो तुम कारण जान सकोगी। माँ, इस सजा को वही दूर कर सकता है जिसने ये सजा दी है। मुंजा, चलो हमें तुरंत महल पहुँचना है। जी अरे महाराज विक्रम, आप कर्ण सिंह, तुम तो ठीक हो गए। लगता है आप दिन में यहाँ आए थे। हाँ, उस समय तुम और पूरा नगर सोया हुआ था। हम सब सूर्य की पहली किरण के साथ फिर सो जाएंगे। मित्र, तुम मुझे पूरी बात तो बताओ। एक दिन मैं जंगल में शिकार करते हुए अपने सिपाही से आगे निकल गया। वो एक ऋषि का पुत्र था, उसकी माँ ऋषि पत्नी वहां आ गई और उसने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। अरे, क्या हुआ? फिर क्या हुआ मित्र, ये तो बताओ। और फिर एक दिन एक राक्षस मेरी पुत्री कोमलांगी को उठा ले गया।
तो ये बात है, वो ऋषि पत्नी कहाँ मिलेंगी? हमारे राज्य के दक्षिण में एक जंगल है, वहाँ बीचों बीच एक तालाब है, उसी के किनारे उसकी कुटिया है। चलो मुंजा। जी महाराज। मुंजा, अब तुम्हें अपना कमाल दिखाना है। जी जरूर, ये लीजिए। वाह, ये हुई ना बात। चलो, याद है ना क्या करना है? जी हाँ महाराज। दादाजी दादाजी रुक जाइए दादाजी, ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं बेटा, अब मैं नहीं रुक सकता, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा, मुझे जाने दो, मुझे मत रोको। नहीं नहीं दादाजी, रुक जाइए। दादाजी ऐसा मत कीजिए दादाजी, मेरा क्या होगा दादाजी? भगवान तेरा ख्याल रखेंगे बेटा, मुझे जाने दो। सुनिए सुनिए, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि आत्महत्या करना पाप है? अरे देवी, अपने पापों की सजा भोगते भोगते थक गया हूँ, अब और नहीं सहा जाता। क्या आप मुझे बताएंगे कि क्यों आप आत्महत्या कर रहे हैं? देवी, मेरे दो बेटों में से बड़ा बेटा और बहू एक दुर्घटना में मारे गए, उनका पुत्र ये है, मेरा पोता मुंजा, और दूसरा बेटा और बहू अपने विवाह के बाद इस नगर के राजा कर्ण सिंह के पास आए थे, जो कि उनके मित्र है। सोचा था कुछ दिन यहाँ महल में रहेंगे, परंतु यहाँ आते ही मेरा बेटा बहू दोनों को ही न जाने कौन सा श्राप लगा कि वो मूर्ति बन गए। ओह, तो ये बात है। न जाने कौन से पाप की सजा भुगत रहे हैं मेरा बेटा और बहू। उन दोनों का कोई दोष नहीं, पाप तो उनके मित्र राजा कर्ण सिंह ने किया है, गलती मेरी भी है। मैंने क्रोध में आकर कर्ण सिंह के साथ साथ उनकी निरपराध प्रजा और परिजनों को भी श्राप दे दिया। आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपना श्राप वापस लेती हूँ और कर्ण सिंह को माफ करती हूँ। आपको मैं कैसे धन्यवाद दूँ? आपने इस बूढ़े पर बड़ा उपकार किया है, बड़ा उपकार किया है। अब तो मैं जल्दी से जाकर अपने बेटा बहू से मिलूंगा। धन्यवाद धन्यवाद, चल बेटा चल। धन्यवाद देवी जी, धन्यवाद। मुंजा भाई, अब कब तक यूं ही बूढ़े बने घूमते रहेंगे? अरे मैं तो भूल ही गया, अभी लीजिए महाराज। अब ठीक है मुंजा, कर्ण सिंह का श्राप तो दूर हो गया। जी महाराज, परंतु महाराज राजकुमारी कोमलांगी अभी भी कष्ट में है। वो बेचारी न जाने कहाँ होगी, क्या तुम कुछ पता नहीं कर सकते मुंजा? वो भी श्राप मुक्त हो गई हैं, इसलिए मालूम कर सकता हूँ। रे अंगूठी रे अंगूठी, क्यों है मुझसे रूठी? बता तो कोमलांगी कहाँ है बैठी? री अंगूठी क्यों है तू ऐठी ऐठी? बता दे कहाँ है कोमलांगी बैठी?
रे अंगूठी आजा वहीं जहाँ पहले थी बैठी। तो ये है वो गुफा जहाँ राजकुमारी कोमलांगी कैद है। लगता है महाराज अभी वो राक्षस यहाँ नहीं है। मतलब अच्छा मौका है अंदर जाने का। जी तो चलें। चलो। घबराओ मत कोमलांगी, मैं हूँ विक्रमादित्य। आप तो मेरे पिताजी के मित्र। हाँ मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो। नहीं नहीं महाराज, मैं यदि इस गुफा से निकलूंगी तो मेरा सिर फट जाएगा। जब तक वो राक्षस मर नहीं जाता तब तक मैं यहाँ से निकल नहीं सकती। और मैं जानती हूँ कि वो ऐसे नहीं मरेगा, क्योंकि उसकी जान उसके शरीर में नहीं कहीं और है। तो ठीक है, तुम ऐसा करो। ठीक है महाराज। चलो मुझा। जी। वो राक्षस आ गया महाराज। कहीं हमारी मौजूदगी का पता तो नहीं चलेगा उसे? नहीं नहीं, मैंने सुरक्षा कवच बना लिया है। कालो। तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। हाँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे विवाह के लिए राजी नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तो देख रही थी कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। अच्छा, ये बात है? ओह, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। चल हट, ऐसा तो सभी कहते हैं। अच्छा तो तुम ही बताओ, तुम्हें कैसे विश्वास होगा। अच्छा, तुम अगर मुझे ये बता दो कि तुम्हारी जान कहाँ रखी है तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो। अच्छा। ये तो तुमने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया। ये बात तो मेरे माँ बाप भी नहीं जानते। ठीक है, तुम नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। अरे अरे अरे, ऐसे रूठो मत। अच्छा सुनो, बताता हूँ। यहाँ से बहुत दूर मल्लिकार्जुन पर्वत है, उस पर एक मंदिर है और उस मंदिर के नीचे एक तालाब है जिसमें एक कछुआ रहता है। उसी कछुए के सिर में मेरी जान है। इस समय कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। आने वाली पूर्णिमा को हम विवाह कर लेंगे। तब तक तुम भी अपने सभी रिश्तेदारों को न्योता भेज दो, है ना? आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं जाऊँगा सबको बुला के लाऊंगा। वाह बहुत खूब, अब तुम चिंता मत करो, हम जल्द ही वापस आएंगे। चलो मुंजा। जी।
मंदिर तो आ गए, अब कहाँ जाना है महाराज? उसने बताया कि मंदिर के नीचे कोई तालाब है। तालाब? परंतु महाराज यहाँ तो कोई तालाब नहीं है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि उस राक्षस ने राजकुमारी से झूठ मूठ ही कह दिया हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आओ मुंजा, अंदर चलते हैं। मुंजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मंदिर तालाब के ऊपर बना हो? तो महाराज उस तालाब तक जाने का रास्ता तो दिखना चाहिए। हाँ, हो सकता है कोई गुप्त रास्ता हो। आओ ढूंढते हैं। मुंजा, अंदर चलते हैं। जी सचमुच बड़ी सुरक्षित जगह पर रखी है उसने अपनी जान। वो तो ठीक है मुंजा, लेकिन उस कछुए को बाहर कैसे लाए? धोखा, धोखा, मेरी जान खतरे में है। चलो मुंजा, अब राजकुमारी को गुफा से निकालना है। जी नगर, तुमको सुननी हो और भी कहानियाँ अगर, तो इसी तरह अपने